ये है हमारा वो सीक्रेट डेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग को समझेगा और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ब्लॉग के एंड तक देखो समझ जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, ये डे 9th है हमारे ऑन द रॉक्स ट्रिप का। आज हम लोग मनाली से निकल रहे हैं फाइनली। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मनाली से निकलने का यहाँ से, बट आगे की जर्नी हमें कंटिन्यू करनी है। सो आज से तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, बट हमारी ऑन द रॉक्स ट्रिप अभी यहाँ पे एंड नहीं हुई है। अभी बहुत सारे सीक्रेट डेस्टिनेशंस कवर करने वाले हैं हम लोग। सो ये ब्लॉग आगे तक देखिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए मनाली को गुड बाय करते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट टाइम मनाली का व्यू देखिए। सो हमारा सीक्रेट डेस्टिनेशन है 446 किलोमीटर पे। उसके लिए 9 hours 17 minutes, मतलब ऑलमोस्ट 10 hours का ट्रैवल आज हमारा होने वाला है। इट्स 1:22, सो आई गेस 10 घंटे मतलब 11-12 ही बजेंगे। मैं आज तो 12 ही बजने वाले पहुंचते। बाय मनाली। मनाली से निकल के हम लोग, मतलब मनाली से आगे 100 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, बट फिर भी यहाँ पे जो सीनरी है वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही। इतना बढ़िया रूट है ना, मैं वही अभी इमेजिन कर रहा था कि अगर मनाली के आसपास इतना बढ़िया सीनरी है रूट के आसपास, तो लद्दाख में क्या होगा। मुझे यहाँ पे ही लद्दाख वाली फीलिंग आना स्टार्ट हुआ है। मनाली की ब्यूटी देखो, एक साइड पे ब्यास नदी है और सामने जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पहाड़, हमारे राइट साइड पे पहाड़ है। ऐसे सीनिक व्यू में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है, राइट गाइस? राइट, यस। मतलब लिटरली जहाँ दूर दूर तक देखो ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलता है। आई लिटरली कांट टेक माई आईज ऑफ, आई मीन हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। ट्रैफिक जाम हुआ है इसलिए रुके हैं, आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो वो निकालने का काम चल रहा है इसलिए रुके हुए हैं। रोशि की मस्त रेस चल रही है पीछे। हमारी गाड़ी का बैक सीट मतलब कंप्लीट बेड है। घर से ही पिलो एंड ब्लैंकेट वगैरह लेके आए थे, तो जिसको भी थकान होती है वो पीछे की सीट पे जाके मस्त रेस्ट करता है। इस वजह से ये रोड ट्रिप एकदम इजीर हुई है। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड हुआ है अभी अभी जस्ट। बिल्कुल पूरा रास्ता कवर हो गया था, बट इतना जेसीबी वगैरह उनसे सिर्फ एक लेन क्लियर कर दी इन्होंने। ये देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है। और हमने शूट करना अभी स्टार्ट किया, ये पीछे 1 किलोमीटर कम से कम गया होगा। ऐसी ही लाइन कंटिन्यू है और आगे भी दिख रही है, पता नहीं कहां तक है लाइन। उल्टा प्रण है, हमारे लेन में कम ट्रैफिक था, ये जाने वाले लेन में देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। और ये कब से रुके हैं? कब से रुके हैं ये लोग? ये पूरे रोड ट्रिप में हमने इतने सारे स्टेट्स कवर किए, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर हो चुके हमारे, बट ये पहली बार हमें ट्रैफिक लगा है। बिल्कुल भी किधर ट्रैफिक नहीं लगा था।
लंच के लिए अभी हम लोग रुके हैं बीच में। क्या ऑर्डर किया बच्चों? हमने सूप ऑर्डर किया है और पनीर टिक्का ऑर्डर किया है। ओके जहाँ हमने अभी लंच किया है वहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया है। बहुत सारी एंटीक चीज़ों का कलेक्शन है, जैसे ये कैमरा है, ओल्ड क्लॉक्स हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का कलेक्शन करके उन्होंने रखा है। सो इंटरेस्टिंग। बीच में हमने अभी टी ब्रेक लिया है। रास्ता इतना ज़्यादा घाट सेक्शन है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। अभी जहाँ हमको जाना है वहाँ का डिस्टेंस और 250 किलोमीटर का बचा हुआ है और टाइम हुआ है 9, तो अंदाज़ा 1 से 1.5 बजने वाले हैं हमको। और ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे ना कि बहुत ही ज़्यादा, बिना टी शर्ट के बिना जैकेट्स के ये दोनों घूम रहे हैं और इन्हें ठंड लग रही है। ये देखिए यहाँ पे बॉनफायर है और मैगी वगैरह हमने ऑर्डर किया है। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, बट कैसे कि अभी 250 किलोमीटर हमको कवर करना है। अभी अगर हम लोग डिनर करेंगे तो नींद आएगी और उतना डिस्टेंस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। सो कुछ कुछ छोटा मोटा खा रहे के, जैसे मैगी हो गया, चिप्स हो गया, और जैसे ही 100 किलोमीटर वगैरह बचेंगे ना तब जाके हम लोग डिनर करेंगे। सामने जो वोल्वो बसें जा रही है ना, उनके ड्राइविंग करने का तरीका देखिए, वो किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। एकदम ये शार्प टर्न्स है, एकदम शार्प टर्न्स है, बट वो जिस मतलब कोई कार वाला भी ऐसे ड्राइव नहीं करेगा, वैसे वो लोग ड्राइव कर रहे हैं। अभी एक ये दोनों भी मेरे पीछे थे, टर्न था एकदम शार्प टर्न, मैं 40 से टर्न मार रहा था कि एकदम कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसलिए, और वो कम से कम 70 के स्पीड से टर्न पे मुझे ओवरटेक करके चले गए दोनों के दोनों। सारे आने वाले गाड़ियों को दबाते हुए जा रहे हैं और ये इनका ही नहीं, या ये प्राइवेट वोल्वो बसेस प्लस हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट की बसेस है उनका भी ड्राइविंग करने का यही तरीका है। उनको भी पता है कि इतनी बड़ी बसेस है, टर्न पे बैठेगी नहीं, वो बाहर निकलेगी ही, फिर भी जान के ओवर स्पीड करके बाहर निकलते हैं, सामने वाले की गाड़ी को दबाते हैं और एकदम निकल जाते हैं। उल्टा इससे अच्छा जो यहाँ के येलो नंबर प्लेट वाले कैब्स वाले हैं या फिर ट्रैवलर्स हैं, इतनी तरीके से ड्राइव करते हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं ना कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं था। नहीं तो ये 70-80 से टर्न मार रहे, इतनी बड़ी बसेस, इतने शार्प टर्न, टू वे रोड है, वन वे रोड है फिर भी ठीक है। छोटे ट्रैवलर हो गए, यहाँ के कैब्स वगैरह हो गए, अगर को आप ऐसे स्लोप पे चढ़ रहे हो, वो लोग ऊपर से आ रहे हैं तो उनको दिखता है पहले से कि ये गाड़ी स्लोप पे है, वो खुद से रुकते हैं, गाड़ी नीचे लेते हैं और जो चढ़ने वाला है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ये अभी शूट करना था मुझे करके, मुझे 10 मिनट गए इनको पकड़ने के लिए, ये गाड़ी को पकड़ने में नहीं आ रहे थे, ये स्पीड से ये गाड़ी चला रहे घाट सेक्शन में वो भी। सी यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं इनका ओवरटेकिंग, देखो फाइनली मनाली से 280 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हाईवे लगाए हम लोगों को। 280 किलोमीटर कंटिन्यू घाट सेक्शन था, कंटिन्यू घाट सेक्शन, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट यही सिर्फ चल रहा था 280 किलोमीटर से, और 280 किलोमीटर कवर करने के लिए हमको 9.5 घंटे गए। सो अभी हमारा डेस्टिनेशन है 218 किलोमीटर 218, और टाइम दिखा रहा है 3 hours 36 minutes और ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, बट अभी डिस्टेंस फटाफट कवर होगा क्योंकि हाईवे लगा है, रोड अच्छा है। द टाइम इज 1 AM, आकाश को ड्राइव करते हुए 12 घंटे हो चुके हैं एंड स्टिल आवर डेस्टिनेशन इज 56 किलोमीटर मिनट्स अवे एंड 56 किलोमीटर अवे, राइट? थक गए तुम लोग? नो भैया
इशारे में उन्होंने सब बता दिया। ये वाला पार्ट अच्छा था, पर जो आते हुए घाट सेक्शन लगा है, नहीं उसने सच में बहुत ज्यादा परेशान किया। और कोई भी उसमें थक जाएगा, क्योंकि 9 आवर कंटिन्यूअस घाट सेक्शन, कोई भी उसमें थक जाएगा। अभी वो 56 किलोमीटर 56 मिनट्स में कवर कर रहा है, क्योंकि ये रोड बहुत मस्त है। ठीक है, पहुंचते अपने डेस्टिनेशन पे। ये है हमारा वो सीक्रेट डेस्टिनेशन, बहुत सारे लोगों को समझेगा, और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ब्लॉग के एंड तक देखो, समझ जाएगा। तो ये था हमारा सीक्रेट डेस्टिनेशन। अभी बहुत लेट हुआ है, टाइम हुआ है 3:30 AM। जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं अमृतसर और जस्ट चेक इन किया है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत थक गए हैं। कल के व्लॉग में आपको अमृतसर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल एंड ऑल, वो सब आप कल के व्लॉग में देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।